सोचो आप ऐसे खड़े हो और बारिश सीधे आप पे गिर रही है, ठीक है, तो आप छाता स्ट्रेट ऊपर रखोगे, आप बारिश से बच जाओगे, ठीक है। अब सोचो अगर आप साइकिल पे हो, ठीक है, छाता पकड़े हो, साइकिल चला रहे हो, तो आपको जो बारिश सीधी गिर रही होगी वो आपके फेस पे आने लगेगी ना, और आप जितनी तेज चलाते जाओगे ना उतनी वो बारिश बेंड होकर आपकी फेस की तरफ आती रहेगी। इसी को बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। तो इसका सवाल हमेशा ये होता है कि भाई छाता कहाँ पे रखो। रेन ड्रॉप जो है समझो वी आर से नीचे गिर रही है, ठीक है, अभी आप खड़े थे तब तक आपको इसका जो फॉलिंग है वो वर्टिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स अज्यूम यू स्टार्ट मूविंग लाइक दिस एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है। अब अगर हम इसे देखते हैं तो आपकी रेन जो है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस, ये रेन की वेलोसिटी है ये, लेकिन आपको क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। अगर रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कितने एंगल में रखना है। ये कैसे मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन।